नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता पुष्कर धामी ने स्वयं सहायता समूह के ONGC के सहयोग से वाद्य यंत्र के वितरण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि आज महिलाओं के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए निरंतर नई योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य कर रही है, जिससे महिलाएं निर्भर बने। आज पूरे प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी हर वर्ग हर क्षेत्र में विकास की योजनाओं को लागू कर रहे हैं। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र खटीवा में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और ONGC के सहयोग से हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों को महिलाओं को वाद्य यंत्र दिए गए हैं, जिससे कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारी महिलाएं हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने और स्वयं सहायता समूह के लिए वो इतनी सारी योजनाओं को लेकर के आए हैं जिससे कि आज महिलाएं अपने पैरों में खड़ी हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, सक्षम बन रही हैं। सितारगंज में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रणजीत सिंह राणा के प्रदेश कांग्रेस महासचिव बनने पर अपने आवास पहुंचे, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता हसनैन मलिक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महासचिव रणजीत सिंह राणा का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि रणजीत सिंह राणा को प्रदेश महासचिव बनने से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और पार्टी को मजबूती मिलेगी। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्र नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय गणेश गोदयाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी ने हम पे भरोसा करके हमें इस पद पे नवाजा है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने भरोसा हम पे किया है तो प्रदेश में 70 की 70 सीटों पर हमें जिस सीट पर भी वो लगाएंगे, जहाँ भी हमें हमारी ड्यूटी लगाएंगे, वहाँ हम जीतोड़ मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। रणजीत राणा जी को जो प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण पद, प्रदेश महासचिव का हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदयाल जी और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हरीश रावत जी के द्वारा जो सितारगंज को एक तोहफा दिया गया है, और मुझे पूरी आशा है राणा जी के बनने से एक कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और उन्होंने, मैंने देखा है, बचपन से कांग्रेस का झंडा लेके चलने वाला, पार्टी की सेवा करने वाले, पार्टी की सिपाही की हैसियत से काम करने वालों को मैं भी ये चाहता हूं, लोगों को, ऐसे लोगों को पार्टी आगे बढ़ाए। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी है। धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। बता दें कि धाम में अभी तक 1.5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। केदारनाथ धाम में चल रहा पुनर्निर्माण कार्य भी अब बर्फबारी के कारण ठप पड़ गया है, जबकि कार्यों में लगे मजदूर भी नीचे लौटने लगे हैं। पुलिस बल वहां पर उपलब्ध है, अभी मौजूद है, और मंदिर की सुरक्षा गार्ड भी वहां पर मौजूद है, तो कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं और उस पर नजर बनाए रखें। वहीं उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए लक्सर प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। उसी कड़ी में आज लक्सर SDM वैभव गुप्ता, पुलिस क्षेत्राधिकारी बहादुर सिंह चौहान और कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने लक्सर नगर में अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया। SDM वैभव गुप्ता ने बताया कि आज पुलिस के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उनसे मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की भी अपील की जा रही है। वैसे तो सभी लोग लगभग वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस के साथ अभियान चलाकर सभी लोगों से यही अपील की जा रही है कि सभी लोग सेफ एंड सिक्योर रहें, सभी लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। साथ ही यदि कोई और भी ऐसा कर रहा है जो इन सब मानकों का, इन सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है, तो सभी का ये कर्तव्य है कि उन्हें भी इसके लिए जागरूक करें और स्वयं भी करें, सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ एंड सिक्योर। जो है आज कोरोना के जागरूकता हेतु हम लोगों को जो है, लोगों को जो है सैनिटाइज के संबंध में, मास्क पहनने के संबंध में, सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में उच्च अधिकारियों के निर्देश का अनुसार जो है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो 11 से 12 बजे तक चलेगा। सभी कस्बों में और देहात क्षेत्र में सभी थानों में जो है ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार और SP देहात के निर्देश पर, और सभी से अपील की जा रही है सभी लोग घर से बाहर मास्क पहन के चले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से सीमांत क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। ऊंचाई वाले इलाकों बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है, जिससे निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, जिससे लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। इसी के साथ ही लोगों ने अलाव का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। बुल्लीबाई ऐप मामले में साइबर क्राइम मुंबई पुलिस और STF देहरादून की टीम के साथ देर रात कोटद्वार पहुंची है। मुंबई पुलिस ने यहां से मयंक रावत नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने कोटद्वार के शिबू नगर इलाके के राजेंद्र नगर कॉलोनी से युवक को उसके घर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये युवक दिल्ली के कॉलेज जाकिर हुसैन में पढ़ता है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। गदरपुर में SDM राकेश चंद्र तिवारी ने अपने कार्यालय में गूलर भोज से जुड़े सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के साथ बैठक की और पर्यटन क्षेत्र गूलर भोग में आम लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। SDM राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि गूलर भोज में 31 दिसंबर को भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। गूलर भोज क्षेत्र में पर्यटक की तरफ से कई कमियों से अवगत कराया गया, जिसके बाद आज सभी कर्मचारी अधिकारियों की बैठक ली गई है और गूलर भोज में सभी लोगों से साफ सफाई के साथ ही सभी सुविधाएं जुटाने को कहा गया है। वहाँ जो बौरा और ये हमारा हरिपुरा जलाशय है, यहाँ 31st में देखा गया कि काफ़ी संख्या में पर्यटक आए और जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से, और जो हमारे चूँकि बॉर्डर का ज़िला है तो बॉर्डर के ज़िला आसपास के ज़िलों के लोग भी घूमने आ रहे हैं। पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन परसों हम लोगों ने विजिट किया, माननीय मंत्री जी ने विजिट किया तो कई पर्यटकों ने कुछ असुविधाओं के संबंध में संज्ञान में लाया, तो उसी के संबंध में आज एक बैठक यहाँ आहूत की गई है। जैसे वहाँ थोड़ा सा टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था, इसके साथ साथ जो खाने पीने की सामग्री है वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती है या उसके वाजिब रेट नहीं रहते, तो इस और जो वहाँ बोटिंग वगैरह है उसके संबंध में, तो आज हमने सभी डिपार्टमेंट और जो बोटिंग वाले हैं उनकी, नगर पालिका की और जो होटल व्यवसायी हैं, ये पार्किंग वाले हैं, उनकी एक बैठक आहूत कर रखी है और उसमें सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है और किसी प्रकार से उनको असुविधा न हो इसको देखते हुए निर्देश दिए जा रहे हैं। थराली विधानसभा के सोलपट्टी और घाट विकास खंड को जोड़ने वाली सड़क निर्माण को स्वीकृति मिलने के बावजूद आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। आज सोलपट्टी के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में आकर रुईसाड़, तेलाड़, सुपताल, घाट मोटर मार्ग पर जल्द कार्य प्रारंभ करने संबंधी ज्ञापन अधिशासी अभियंता को सौंपते हुए कहा कि अगर मोटर मार्ग पर जल्द कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो वो आंदोलन के साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। थराली घाट मोटर मार्ग से रुईसाड़ तेलाड़ मोटर मार्ग की जो सर्वे हुई है, पूर्व में विभाग की अनदेखी के कारण और लापरवाही कहेंगे हम, लापरवाही के कारण, जबकि क्षेत्रीय जनता ने, रुईसाड़ ग्राम सभा के आम जनमानस ने अन्नापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया, जिसमें मैं सोल विकास समिति अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी पूरा सहयोग किया और आज हम विभाग में पहुंचे तो हमें सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है। यही हिसाब हमें आश्वस्त करते हैं कि मैं इसको करूंगा, देखूंगा, लेकिन हम विभाग के उच्च अधिकारियों से जानना चाहते हैं कि आखिर ये शब्द कब तक आप जनता के बीच बोलेंगे कि हम देखेंगे और आखिर कब तक ये काम हो जाएगा। न्यूज़ चैनल का जो हमारे इस विषय में अपनी भूमिका निभाई, मैं सदस्य क्षेत्र पंचायत ग्राम सभा रुईसाड़ होने के नाते यहाँ पर 2 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री जी को भी अपने हाथों से इस परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर ज्ञापन दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक भी कोई सकारात्मक परिणाम हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। जब भी कोई बैठकें होती है, किसी प्रकार की भी कोई चर्चा परिचर्चा होती है तो मेरा ये रुईसाड़ तेलाड़ मोटर मार्ग पे सबसे पहला मुद्दा रहता है। मुझे काफ़ी दुख हो रहा है, सन 1973 से इस रोड के बारे में लोग चिल्ला रहे हैं। 2018 में स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने डोंगरी सभागार में घोषणा की थी कि ये रोड, मतलब जब तक
उस समय उपचुनाव हो रहे थे, तो उन्होंने खुद कहा था कि एक साल के अंदर हम रोल दे देंगे। मैं व्यक्तिगत रुचि ले रहा हूं और आगे भी इसमें जैसे ही साहब आते हैं बेकर वो करके अत्यंत उसके साथ इसको आगे बढ़ाऊंगा। पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने आज कर्णप्रयाग थाने में आम जनता से संवाद किया और नगर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जनता से राय ली। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनता से आई समस्याओं के समाधान के लिए चमोली पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि शासन की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। आज जो है जनता के साथ जनसंवाद रखा गया था, मुख्य ये है कि हमारा जनता के साथ जो समन्वय है वो स्थापित रहे। यहाँ की जनता ने जो समस्याएं बताई वो मुख्यतः यातायात से संबंधित थी, नशे जो युवा वर्ग है वो नशे में लिप्त हो रहा है उससे संबंधित समस्याएं बताई, कुछ महिला संबंधी अपराध कुछ क्षेत्रों में है वहाँ की समस्याओं से अवगत कराया। तो जो भी आपके द्वारा समस्याएं बताई गई हैं उनका निराकरण करवाया जाएगा। एक जो इस क्षेत्र के लिए रोड मैप तैयार करेंगे वो इसी इनके द्वारा जो बताई गई समस्याएं हैं उनके बेसिस पे करेंगे। आगे भी इसी तरह का समन्वय जो है हमारे बीच बना रहेगा। एक सोशल मीडिया जितने हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो सबके साथ आज जो है हमने शेयर किया है साझा किया है और जनता से यही अपील की है कि इनके पास जो सूचनाएँ हैं जो समस्याएँ हैं उनसे हमको अवगत कराएँ ताकि उनका टाइमली जो है वो निराकरण और निस्तारण किया जा सके। प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के कारण जिले के उपला टकनौर सहित मोरी और बैकोट के ऊंचाई वाले गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कम तापमान के कारण बर्फबारी वाले इलाकों में पाइपलाइन फट गई है। इस कारण हर्षिल में उत्तराखंड पुलिस के जवानों और ग्रामीणों को भागीरथी नदी से जल आपूर्ति करनी पड़ रही है। गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मंगलौर के लिब्बर हेड़ी गन्ना समिति पहुंचे जहां पर उन्होंने गन्ना किसानों के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मंगलौर के हरजौली जट गांव में 100 मीट्रिक टन उर्वरक बिक्री केंद्र सहित गन्ना समिति की वेबसाइट और किसानों का इंक्वायरी कार्ड का शुभारंभ किया। इस मौके पर गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि ये गन्ना समिति उत्तराखंड की अन्य समितियों के लिए एक मिसाल है। आज लिब्बा रेडी जो हमारी सहकारी गन्ना विकास समिति है उसमें कृषक इंक्वायरी योजना का शुभारंभ किया गया। अब जो हमारे गन्ना किसान हैं उनको एक कार्ड दिया जाएगा, वो कार्ड अपना मशीन में लगाएंगे, उनको तत्काल उनके पूरी गन्ने की जानकारी कितना गन्ना उनका अभी बाकी बचा हुआ है, कितना शुगर मिल में चला गया, कितने रकबे में गन्ना बुआई की थी, वो सारी की सारी जानकारी गन्ना किसानों को एक मिनट के अंदर मिल जाएगी। बहुत अच्छी योजना का एक शुभारंभ यहाँ पर किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे इस क्षेत्र के गन्ना किसान भाई हैं इस योजना का लाभ उठाएंगे। देखिए आज इस सहकारी गन्ना समिति लिब्बरेड़ी के तीन योजनाओं का लोकार्पण माननीय गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी ने यहाँ पर किया है। इसमें एक तो हरजोली जट में 100 मीट्रिक टन का हमने गोदाम उर्वरक बिक्री केंद्र खोला है, उसका लोकार्पण यहाँ किया है और एक समिति की वेबसाइट हमने बनाई है उसका भी शुभारम्भ यहाँ किया गया है। और एक जो सबसे अलग काम यहाँ पर हुआ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में भी कहीं नहीं है और उत्तराखंड में भी कहीं किसी भी समिति में नहीं है, हमने किसानों के कार्ड बनवाए हैं पहचान पत्र, उसमें किसान का फोटो है, नाम है, पिताजी का नाम है, कृषक कोड है, यूनिक कोड है, उसकी जन्मतिथि है। पौड़ी गढ़वाल में सुबह से तेज बारिश और तापमान में गिरावट आई है जिसके चलते लोगों ने आग का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पौड़ी श्रीनगर गढ़वाल कोटद्वार और ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फबारी से मौसम भी सुहाना हो गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पौड़ी की तस्वीरें जहां तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखी गई है।
रुद्रप्रयाग के राजकीय महाविद्यालय में डेढ़ दशक बाद स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग की कक्षाएं भी संचालित की जाएंगी। इन दिनों कॉलेज प्रबंधन की ओर से प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में अब छात्रों को श्रीनगर और देहरादून की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। तो छात्रों को नहीं लगानी पड़ेगी देहरादून की दौड़। आपको बता दें कि जल्द ही डेढ़ दशक के बाद, आपको बता दें कि महाविद्यालय रुद्रप्रयाग में अब विज्ञान वर्ग की कक्षाएं भी संचालित की जा सकेंगी। इन दिनों कॉलेज प्रबंधन की ओर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसके चलते उसकी कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। ऐसे में अब छात्रों को श्रीनगर और देहरादून की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। महाविद्यालय प्रशासन ने छात्र हित और क्षेत्र हित को देखते हुए बीएससी में कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। यद्यपि ये मान्यता बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उसके कारण इसमें डिले हुआ। और क्षेत्रीय विधायक जी ने और छात्र संघ पदाधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि हम रिसोर्सेज की व्यवस्था करेंगे और आप बीएससी कक्षाएं शुरू करो। तो इसीलिए महाविद्यालय प्रशासन ने हमने निर्णय लिया कि इस साल से हम बीएससी में सीमित सीटों में 20 सीटों में लगभग प्रवेश देना चाहते हैं। और लगभग अभी तक 15 फॉर्म अभी तक छात्र ले गए हैं, और कुछ छात्र जो पुराने बीए में एडमिशन ले रखे हैं वो छात्र भी आ रहे हैं जो इंटर साइंस के स्ट्रीम के हैं। नैनीताल और उसके आसपास देर रात से ही आसमान में घने बादलों के साथ दोपहर से बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देर रात तक अगर बारिश जारी रही तो लोगों को सुबह आँख खुलते ही बर्फ के दीदार भी हो सकते हैं। तो नैनीताल में लगातार बारिश जारी है। आपको बता दें कि नैनीताल में मौसम ने करवट बदल ली है, जिसके चलते अगर लगातार बारिश जारी रही तो सुबह उठकर आपको बर्फबारी के दीदार भी हो सकते हैं। पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। डिग्री कॉलेज चौबट्टा खाल के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकारों को हर मोर्चे पर विफल बताया है। साथ ही तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा से बीजेपी सरकार की चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि 3 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने उजियाड़ू बैलों का साथ होने के बावजूद भी 32,000 युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन बीजेपी सरकार 3200 बेरोजगारों को भी रोजगार नहीं दे पाई है। आप विभाग में कोई परिवर्तन आया? मुझे आपने 3 साल का अवसर दिया, पूरी लंगड़ा लंगड़ा करके 3 साल, और विधायक ऐसे दिए जो बीच में लात मार करके मैंने 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, और मेरी क्षेत्र जनता ने बहुत सहयोग किया था मुझे। और कहीं ना कहीं जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो उम्मीदें होती हैं जनता। मैं समझ सकती हूँ कि 2.5 से हमारा काल चल रहा है, विकास का अर्थ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। जैसा पहला प्रश्न आपका है कि रावत जी यहाँ आए थे, इस समय कांग्रेस पार्टी में बहुत सारा उत्साह है लोगों को, खासतौर पर महिलाओं में और युवाओं में। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो खोखली घोषणाएं की गई, जो बड़ी बड़ी बातें कही गई, वो ये जो जनता है समझ चुकी है। वहीं लालकुआ बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष कमल मुनि ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी प्रस्तुत करते हुए कहा कि अगर पार्टी हाईकमान ने उन्हें टिकट दिया तो वो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही बिंदु खत्ता राजस्व गाँव बनेगा और बरेली रोड क्षेत्र की तमाम समस्याओं का प्रमुखता के साथ समाधान किया जाएगा। तो क्या कुछ कमल मुनि ने कहा वो हम आपको बता रहे थे। हमने अभी तक, हमको जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और अभी किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष हूँ
वर्तमान में, और पार्टी से हमने कहा है कि लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी के जो भी निर्देश और आदेश हुए हैं उनका निरंतर पालन किया है। और आप इस बार मैंने दावेदारी कर रखी है, मुझको एक बार ऐसा अवसर इस विधानसभा से मिलना चाहिए जिसमें मैं युवाओं के लिए और जिस राष्ट्रवादी सोच और विचारधारा को लेकर हम बोलते हैं करते हैं उसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। अक्सर कोतवाली के बहादुरपुर खादर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 40 साल के व्यक्ति का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तालाब से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। रिपोर्टिंग मिली है, मिसिंग का रामकुमार सनत रतन लाल बहादुरपुर का है और उस संबंध में जो है परिवार वाले कहते हैं थोड़ा नशा वगैरह भी करता था और उस संबंध में शख्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसका बच्चा वहाँ पर और पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा के बंधन बैंकट हॉल के प्रांगण में कांग्रेस पार्टी ने बैठक का आयोजन किया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और आचार संहिता लगने वाली है, इससे पहले सभी राजनीतिक दल 2022 के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी को मजबूत करने में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 10 जनवरी को SC ST सम्मेलन के आयोजन को लेकर बैठक की गई, जहां प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने कार्यकर्ताओं से सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपील की है। हम आने वाले 10 जनवरी को खटीमा विधानसभा में SC ST का एक बड़ा सम्मेलन कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, हमारे पूर्व मंत्री विधानसभा अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, हमारे प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी समेत तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शिरकत करेंगे। और खटीमा सीमांत क्षेत्र है, अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इन 5 वर्षों में जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र की उपेक्षा करी है, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी खाली पुरानी घोषणाओं पर काम हुआ, कुछ नया नहीं हुआ है और क्षेत्र को एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सब वर्ग को साथ लेकर चलती है, तो उस संबंध में हमें एक बड़ा कार्यक्रम इस विधानसभा में रहे, उसके तैयारी के संबंध में ये मीटिंग रखी गई। विधानसभा चुनाव का समय नजदीक है और जल्द ही आचार संहिता भी लगने जा रही है, ऐसे में जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए स्वीकृत सड़कों का विधायक शिलान्यास करने में जुटे हुए हैं, जिससे उन्हें चुनाव में इसका लाभ मिल सके। जिन सड़कों के लिए जनता काफी लंबे समय से संघर्ष कर रही थी उनका शुभारंभ भी किया जा रहा है। बता दें कि रुद्रप्रयाग में ऐसे कई गांव हैं जिनके सड़क विहीन होने से लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। इन सड़कों के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही स्थानीय जनता ने संघर्ष करके शासन से स्वीकृति दिलाने के बाद अब उनका शुभारंभ किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव का समय नजदीक है और जल्द ही आने वाले 2-4 दिनों में आचार संहिता भी लग जाएगी, ऐसे में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एक दिन में 2 से 3 सड़कों का शिलान्यास करने में जुटे हुए हैं। किया है पहली कालापौड़ दरमोला होते हुए जो खीर तक जानी है और अभी दूसरी सड़क हमारी ये जो जखोली मोटर मार्ग है उससे जाकर के इसको मयाली तक जाना है और इसके तुरंत बाद 2-3 दिन के अंदर हमारी सिरकोट से रिंगेड वाली सड़क का होना है, उसके बाद सेमा भरदार से जाखाल तक वाली जो सड़क है उसका होना है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, धन्यवाद।